की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों बताने वाला कि 2024 में आ गया बिल्कुल आसान प्रोसेस ऑनलाइन। दोस्तों राशन कार्ड में मोबाइल नंबर जोड़ने का और लिंक करने का आसान तरीका आ गया है सभी स्टेट का। तो दोस्तों आप किसी भी स्टेट से हो तो राशन कार्ड में आप मोबाइल नंबर को अपडेट कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। सारा कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चैनल पर आप पहली बार तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है और आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे आपको ऑनलाइन अपडेट आपको राशन कार्ड के तहत मिलती रहे। दोस्तों आपको किसी एक ब्राउजर पर आ जाना है और आपको सर्च कर देना है nfsa.gov.in। सर्च कर देने के बाद इस प्रकार से ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी। अब आपको यहाँ पर राशन कार्ड मोबाइल नंबर लिंक करने या अपडेट करने के लिए आपको ये 3 डॉट दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो सेम प्रोसेस आप लैपटॉप पीसी से भी कर सकते हो, मैं मोबाइल से आपको बता रहा हूँ दोस्तों बिना कहीं गए। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको राशन कार्ड, आपको इसी ऑप्शन पर ही क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा राशन कार्ड डिटेल्स ऑन स्टेट पोर्टल्स, यानी सभी स्टेट का यहाँ पर आपको पोर्टल मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जिस भी स्टेट से आपका राशन कार्ड है बना हुआ है, आपको उस स्टेट को आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं सभी स्टेट जितने भारत के हैं आ गए हैं, तो आपका जिस स्टेट का राशन कार्ड है उस स्टेट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए। तो चलिए हम यहाँ पर दिल्ली और ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। इस प्रकार से ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी दिल्ली की। तो राशन कार्ड मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए या चेंज करने के लिए आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, देख सकते हैं रजिस्टर चेंज ऑफ मोबाइल नंबर, तो आपको इसी ऑप्शन पर ही क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अब इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बताया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि जिनके भी नाम से राशन कार्ड है उनका आधार नंबर आपको डालना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको राशन कार्ड का नंबर डालना है और यहाँ पर जिनके नाम से राशन कार्ड अप्लाई हुआ उनका नाम डालना है, जो भी राशन कार्ड पे है। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन मिल जाएगा नीचे, आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है न्यू मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर दोस्तों आप मोबाइल नंबर आपको पता नहीं है तब भी आप यहाँ पर डाल के आप यहाँ पर ये कैप्चर मिलेगा, आपको इस बॉक्स में कैप्चर डालना है। चलिए हम आपको फिल करके आपको बताते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमने सारा चीज़ फिल कर दिया है, जिनके भी नाम से राशन उनका आधार नंबर, यहाँ पर राशन कार्ड नंबर, यहाँ पर उनका नाम और यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालना चाहते हैं या लिंक करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर आपको डालना। अब ये जो कैप्चर दिख रहा है आपको इस बॉक्स में कैप्चर फिल करना है। अब यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये मोबाइल नंबर आपके राशन कार्ड से यानी पहले से ही पंजीकृत है यानी लिंक है। तो दोस्तों आप यहां पर नया मोबाइल नंबर अगर आप यहां पर डालेंगे तो आपको बताया जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर एक हफ्ते के बाद आपका यहां पर लिंक कर दिया जाएगा। तो बाद में एक हफ्ते के बाद आप ट्राई करेंगे, आप अपने राशन कार्ड को डाउनलोड करेंगे तो बड़ी आसानी से आप इस मोबाइल नंबर से ही डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बताया भी जा रहा है कि आपका ये मोबाइल नंबर पहले से लिंक है। तो दोस्तों अगर आपका लिंक नहीं होगा तो यहाँ पर कुछ और अलग लिख के आएगा, तो आप समझ जाना कि आपका राशन कार्ड मोबाइल नंबर आप एक हफ्ते के बाद ट्राई करोगे तो आपका राशन कार्ड में मोबाइल नंबर को जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से राशन कार्ड में मोबाइल नंबर को जोड़ सकते हैं। सकते हैं यहाँ पर अगर आपके स्टेट में ये सर्विस अवेलेबल है तो बड़ी आसानी से आप घर बैठे मोबाइल नंबर को अपडेट कर पाएंगे या लिंक कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली में ये पोर्टल यहाँ सर्विस चालू हुई है, तो यहाँ पर बहुत से स्टेट में सर्विस चालू है, तो आप अपने स्टेट पर क्लिक करके ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई थी, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, नए टॉपिक पे, बाय।